तय कैंडिडेट जीतता है उनकी आयु 5 साल तक होती है, और ये जो आर्मी की नौकरी सर 4 साल की कर दी, क्या करेगा इसमें आके, ये बताओ आप। इस सरकार में विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो विपक्ष में उठता है उसे ही जेल में पहुंचा देती है सरकार। अच्छा जी, जागो जन जन जागो भारत, विकसित देश बनाना है तो बीजेपी को लाना है, लेकिन आज वो बिल्कुल 10 साल तो बीजेपी आ गई ना, फिर तो उसके नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार मैंने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है यहाँ पे, बीजेपी के खिलाफ पहली बार। अब मेरे भाइयों को ये गलत लग रहा हो तो बता देना। व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू तो सभी के पास पेपर पहुंच चुके थे, तो निष्पक्ष भर्ती हो और अधिक से अधिक जितने वादे करती है सरकार बेरोजगारी के, अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई है। हालांकि भर्तियां निकाली जा रही हैं, लेकिन जितने वादे करती है तो सभी को रोजगार मिले, हमारा विशेष मुद्दा यही है सरकार से। हम जो इंडिया के गांव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनके इश्यूज क्या हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये जो इंडिया है वो एक न्यू इंडिया है, एक नया भारत है, और उस नए भारत को बना रहे हैं यहाँ के यंगस्टर्स। इस बार बहुत सारे युवा हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं, जो वोट कर रहे हैं, जिन्होंने वोट किया है, उनके इश्यूज क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, और ख़ासकर ग्रामीण यानी विलेजेस के युवा जो कि बहुत निर्भर हैं सरकारी नौकरियों पे। वैसे कुछ युवा हमारे साथ हैं जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, आपका नाम बताइए। अभय प्रताप। अभय, आप इसी गांव में रहते हो, क्या नाम है आपके गांव का? खेड़ा। कौन सा ज़िला है? जिला सर मेरठ। मेरठ, मेरठ ज़िले से हैं आप। वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग करी आपने? वोटिंग करी आपने। क्या इश्यूज हैं यंगस्टर्स के आपके गांव में, आपके आसपास, आपके एज ग्रुप के युवा क्या बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप इलेक्शंस में जा रहे हैं, क्या चाहते हैं कि आपके लिए बेहतर हो इस चुनाव में? बस सरकारी नौकरी के लिए और रोजगार के लिए। वैसे अभी लगता है आपको कि रोजगार बेहतर है इस देश में, रोजगार के अवसर हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं। क्या लगता है कि कहाँ पर सुधार की जरूरत है, कहाँ लगता है कि आप लोगों को डिसअपॉइंट होना पड़ रहा है? यार हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है आप लोगों से? क्या मतलब सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं, आर्मी की भर्ती की क्या प्रॉब्लम है? बस आर्मी की बस ऐसे ही। आर्मी की भर्ती। आप बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पुलकित है सर। पुलकित, आप भी युवा हैं, यंगस्टर्स के क्या इशू हैं इस बार वोटिंग के लिए, क्या चाहते हैं आपके लिए बेहतर हो, आप लोग वोट डाल रहे हैं, क्या वो एक्साइटमेंट है इस बार इलेक्शंस में? जी मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो हम चाहते हैं कि सरकार बेरोजगारी को ख़त्म करे, अधिक से अधिक निष्पक्ष भर्तियाँ निकाले और निष्पक्ष जल्दी से जल्दी उनको भर्ती किया जाए, क्योंकि आपने अभी देखा होगा पिछले कुछ महीने में यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, तो पेपर से पहले ही जगह जगह सबके पास पेपर पहुंच गया था, जिसकी वजह से सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े थे और वो पेपर रद्द करना पड़ा। तो हमारा तो मुख्य मुद्दा ही है कि आप भर्तियां तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको निष्पक्ष रूप से भी कराया जाए, जिससे कि सभी को समान अवसर प्राप्त हों, और हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक भर्तियां निकलें। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो उनके एग्जाम्स लीक हो जा रहे हैं, और फिर वो पूरी वैकेंसीज रद्द कर दी जा रही हैं, ख़त्म कर दी जा रही हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी अभी, आप पिछले 2 महीने पहले ही हुई थी उसकी भर्ती, तो वो सरकार को मजबूरी में रद्द करनी पड़ी, क्योंकि उसका पेपर लीक हो चुका था सभी के पास, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो सभी के पास पेपर पहुँच चुके थे। तो निष्पक्ष भर्ती हो और अधिक से अधिक जितने वादे करती है सरकार बेरोजगारी के, अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई है, हालांकि भर्तियां निकाली जा रही हैं, लेकिन जितने वादे करती है तो सभी को रोजगार मिले, हमारा विशेष मुद्दा यही है सरकार से। युवाओं से, युवाओं को मुद्दा ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित सोम है। सुमित, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 22 है। 22 साल है, मतलब युवा है। पिछली बार आप तो वोट नहीं डाल पाए होंगे, तो कब 17 साल के, इस बार वोट डाला आपने? हाँ जी, इस बार वोट डाल के आया हूँ मैं। वोट डाल के आए, क्या मुद्दे थे आपके? आपकी फिजिक अच्छी है क्या? फौज में भर्ती होना चाहते हैं क्या? मैंने 7 साल तैयारी करी फौज की। अच्छा, फौज मतलब आर्मी की? आर्मी की। जैसे कि मेरे पुलकित भाई ने बताया कि पुलिस का एग्जाम पहले ही लीक हो गया था जगह जगह पे, तो मैं खुद अपनी भुगती हुई बता रहा हूँ। मैं और मेरे साथ के 5 भाई और थे, हमने फिजिकल किया वहाँ पे, गारे में दौड़े हम पानी में, इतने इतने पैर धस जा रहे थे गारे में, और वहाँ पे मैं मेडिकल में बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ओवरडोज लिया हुआ था। मैंने बोला कि मेरे का मेडिकल कराओ जाके, अगर मेरा ओवरडोज हो गया मुझे फांसी पर चढ़ा दो, किसी ने नहीं सुनी मेरी। मतलब आपको लगता है कि जो
प्रक्रिया है, जो आप सिलेक्शन प्रोसेस है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं। हाँ जी, वो बिल्कुल एकदम एक तरह से जातिवाद वहाँ पे हो रखा था भर्ती। अच्छा। वहाँ पे जी काले धग्गे पैर में बांध बांध के भगा रहे थे। और हमारी सरदना तहसील और मवाना तहसील दो आती है मेरठ में, तो ये अलग अलग दौड़ती हैं, तो वहाँ पे भी सरदना तहसील में सामने के लड़के दौड़ा है। क्या मतलब था सामने के लड़के दौड़ाने का? मतलब आपको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, समान अवसर नहीं मिल रही जी, बिल्कुल नहीं मिल रही जी। तो आप चाहते हैं कि समान। अच्छा, अग्निवीर का भी, क्योंकि अग्निवीर स्कीम है जिससे इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं वो पहले 60 साल की आयु तक, उम्र तक भर्ती में सर्विसेज देते थे, अभी उसको 4 साल की कर दिया गया है, क्या उसको लेकर के भी आप लोग नाराज हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है वो भी जी। जब चुनाव होते हैं कैंडिडेट जीतता है उनकी आयु 5 साल तक होती है, और ये जो आर्मी की नौकरी सर 4 साल की कर दी, क्या करेगा इसमें आके, ये बताओ आप। तो ये तो रिटायरमेंट पे नहीं आ रहे, 65-70 साल पे भी नहीं, तो रिटायर नहीं हो रहे। और युवा 17 साल एज घटा दी सर, एज घटा के 23 से 20 पर कर दी। अब बताओ 20 साल का लड़का रिटायर होकर आ जाएगा कहाँ पे जाएगा, ये तो बताओ आप। 20 साल का लड़का रिटायर होकर आ जाएगा कहाँ जाएगा? तो ये आपको लग रहा है कि जो अग्निवीर स्कीम है वो आप लोगों के लिए इलेक्शन का इशू है? बहिष्कार, बिल्कुल इलेक्शन का पूर्ण इशू है, पूर्ण इशू है। आपके आसपास जो और युवा हैं वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, सब तैयारी करते हैं? तैयारी करते थे। यहाँ पे ये 24 सी का सबसे अच्छा ग्राउंड है, यहाँ पे हमारे आसपास के गांव हैं 8-10, उसके लड़के दौड़ने आते थे। और आज आप यहाँ पे देखना, कोई एक बच्चा दौड़ता हुआ नहीं मिलेगा आज यहाँ पे। ये सब बेरोजगार भाई हैं, सब बेरोजगार भाई हैं, जो युवा हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आकाश सोम। आकाश, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 21 साल। 21 साल तो युवा है, पहली बार वोट किया इस बार? नहीं, मैंने 2 बार कर लिया। और विधानसभा में क्या होगा, असेंबली में क्या होगा? हाँ 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 जी, तो इस बार आप क्या एक तरीके से युवा वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री पहली बार चुन रहे हैं आप लोग, क्या इश्यूज हैं यंगस्टर्स के आपके गांव में? वही है कि जनरल वालों के लिए कोई जॉब नहीं रही है, ठीक है ना। जब वो एक वो थी जॉब आर्मी की, वो भी इन्होंने 4 साल करी, तो बंदे बहुत कम भागते हैं, ठीक है, रनिंग में। नहीं तो पहले यहाँ पे इतना भीड़ वो रहता था, यहाँ पे मेला भर रहता था, ठीक है ना। तो वही है कि इस सरकार ने जॉब नहीं दी, यही मेरा मुद्दा है, बस यही मुद्दा है कि सरकार में जॉब नहीं मिली है। क्या चाहते हैं बेहतर हो आपके लिए जब नई सरकार आए? जनरल वालों की थोड़ी वो ऊपर हो, मतलब कम उस पर मेरिट लगे, अदर पुलिस में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, वही वो है हमारा मुद्दा बस। कितनी पढ़ाई की आपने? मैं तो जी डिप्लोमा हूँ। डिप्लोमा है, मतलब 12th पास करके आपने डिप्लोमा किया, तो पढ़े लिखे युवा हो? हाँ जी, पढ़े लिखे। आप लोग प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी मिल रही है आप लोगों को किस तरीके? प्राइवेट में तो मिल जाती है, प्राइवेट में आरक्षण मिलने लगा हुआ, वहाँ भी आरक्षण है, वहाँ भी कास्ट के हिसाब से बंदों को हायर करते हैं वहाँ भी। अच्छा, जिसका जुगाड़ उसकी नौकरी, मजरी फ्लैट चाहिए, जिसका जुगाड़ उसकी नौकरी है प्राइवेट में। अच्छा, ठीक है, जुगाड़ उसकी नौकरी, ठीक है। यो और वो लड़के कहाँ गए जो अभी यहाँ पे तैयारी? तो आप ये देखिए, ये युवा सब लड़के हैं यहाँ गांव के, देखेंगे यहाँ गांव खेड़े पे चौराहे पर आकर के। आप लोग यहाँ पर आओ, क्या नाम है आपका? वंश शर्मा। वंश, क्या करते हो आप? मैं अभी 12th करी। 12th कर ली आपने, फौज की तैयारी करते हो? जी, अग्निवीर की तैयारी में। पर अग्निवीर में कुछ फायदा ही नहीं, जब 4 साल में युवा फौज में जाएगा और वहाँ पर 4 साल में क्या कर लेगा, उसके मन में तो ये रहेगा कि 4 साल बाद हमें घर पे जाना, तो यहाँ सेना में क्या करेगा वो। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ा इशू है कि जो आर्मी में 4 साल की, तो 4 साल की नौकरी के लिए भी आप लोग कोशिश तो कर रहे होंगे कि 4 साल के लिए कम से कम रोजगार मिले? कोशिश तो कर रहे, पर सीमा पे जाकर क्या करेंगे? युवा तो ये सोचेंगे 4 साल बाद घर जाना, क्यों यहाँ पे आत्महत्या क्यों करवाएं। अच्छा जी, तो फिर भी तोड़ रहे हैं आप, तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। भर्ती आएगी तो आप जाएंगे पार्ट लेने? जरूर जरूर। अच्छा, नहीं 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 ऐसा नहीं। एक इस सरकार में विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो विपक्ष में उठता है उसे ही जेल में पहुंचा देती है सरकार। अच्छा जी, तो ये लग रहा है। आपका क्या नाम है जी? मैं तो 10 साल से मेहनत करता था जी आर्मी की। अच्छा। 3 बार फाइनल मेरिट से, जहाँ भी हम तो 36 लड़के थे राजपूत के और 16 जाट के, तो जाटों का नंबर आवा 36 राजपूत रह जाए। आपकी तो पूरी तैयारी करने लग रही है, आप दौड़ते हैं अभी? कई बार तो फिजिकल हो रहे मेरे। कितना दौड़ लेते हैं आप? कितने 20 किलोमीटर भाग लू था मैं। हाँ, 10-20 किलोमीटर दौड़ लेते थे, बूझ लो लड़के खड़े बता देगा। मेरे साथ लड़का दौड़ने गया था मेरठ, यहाँ से सरना बाईपास तक दौड़ते हुए गए थे सुबह 2:30 बजे। 31 किलोमीटर कंटिन्यू एक सांस में रनिंग करी थी। 31 किलोमीटर साथ में रनिंग करी आप लोगों ने। प्राइवेट नौकरी की नहीं सोचते आप लोग? प्राइवेट क्या कर, जब हमारे तो आर्मी थी जी एक राजपूतों की, जो अभी छीन ली इन्होंने। सर मैं कुछ कहना था, क्या कहिए बताइए। मैं 41 ईयर्स ओल्ड हूँ, ये तो युवा है सर। मेरे भाइयों थोड़ा नज़दीक आ जाओ। मैं ग्रेटर नोएडा परिचौक पर जॉब करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता। 17-18 साल मेरे को जॉब करते हो गए। हम
इस गवर्नमेंट को जो लेकर आए थे महंगाई के तौर पर लेकर आए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि महंगाई जो कांग्रेस है बहुत ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी, लेकिन इस गवर्नमेंट में महंगाई घटी नहीं, बढ़ी है। तो मैं 2008 में इनके चेहरा होते थे आडवाणी जी, जब ये चुनाव हारे थे ना, सैदाब भी उस टाइम पे ना हो, तो मैं उस टाइम पे पंक्तियाँ लिखता था इनके लिए, मैं कविताएँ लिखता हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, लेकिन वो आज मेरी गलत साबित हो रही है। यहाँ पे बच्चों आ जाओ सब साथ में, समय की मांग को समझे तो नया दौर अब लाना है, समय की मांग को समझे तो नया दौर अब लाना है, लहर कमल की दौड़ेगी, बीजेपी को सत्ता में पहुंचाना है। तो मैंने कांग्रेस के लिए चंद पंक्तियाँ लिख दी। एक खूनी पंजा देश में चला, जनता का खून पीता है, मिलता नहीं सस्ता कुछ भी, महंगाई को बढ़ाता है। एक खूनी पंजा देश में चला, जनता का खून पीता है, मिलता नहीं सस्ता कुछ भी, महंगाई को बढ़ाता है। और जागो जन जन, जागो भारत, जागो जन जन, जागो भारत। विकसित देश बनाना है तो बीजेपी को लाना है, लेकिन आज वो बिल्कुल 10 साल तो बीजेपी आ गई ना, फिर तो उसके नहीं बाद। कुछ भी नहीं हुआ। तभी कविता तो गलत साबित हो गई फिर। बिल्कुल मेरी जो पंक्तियां बिल्कुल गलत साबित हुई, तभी मैं वोट डालने के लिए आया, 90 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ परीचौक से, कि मैं अपने लोगों के लिए, अदर पार्टी के लिए, सपा गवर्नमेंट के लिए मैं आज वोट डाली। मैंने पहली बार मैंने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है यहाँ पर, बीजेपी के खिलाफ वोट पहली बार। अब मेरे भाइयों को ये गलत लग रहा हो तो बता देना। ये आम जो जनमानस है उनकी बातें हैं, जो ये सब युवा हैं। 1774 फौजी इस गांव में, 1774 बाजी गांव में वोट भी नहीं इतनी। 1774 फौजी हैं फिलहाल ऑन ड्यूटी, 1774 फौजी हैं, 4 कर्नल 3 ब्रिगेडियर हैं इस गांव के। अब तुम लगा लो इतिहास के आए, अभी फिलहाल कोई भर्ती नहीं हो रही है जी, मामला खत्म कर दिया बिल्कुल, कोर्ट चल रहा जी, जाट कोर्ट चल रहा। 5 लड़कों ने फिजिकल किया था, 5 लड़कों ने, एक का तो नंबर आता था, 24 सी में तो एक नंबर, एक लड़के का नंबर नहीं आया, आसपास के गांव में एक लड़के का नंबर नहीं आया। अब देखिए ये युवा है, उसने आत्महत्या कर ली, कपसाड़ में आत्महत्या कर ली, उनने फांसी खा ली, तो ये इन युवाओं के लिए यही खत्म नहीं हुआ। अब देखिए आप, ये युवा जो हैं, ये सब लोग हैं, ये सब फौज में जाने की तैयारी करती हैं। अगर बात करें इंडिया में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फौज की नौकरी है वो एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है। अब वो जरिया अग्निवीर स्कीम के जरिए बहुत लिमिटेड हो गया है, जिसके चलते भर्तियां भी, यानी जो वैकेंसीज भी निकल रही हैं फौज में, वो सीमित हैं, और लिमिटेड वैकेंसीज में लिमिटेड बच्चे लिए जा रहे हैं, और उम्र भी है 18 साल से 23 साल, 17 से 20 साल घटाकर 20 साल कर दी गई। तो मतलब अगर ये 20 साल से ऊपर हो गए तो फिर ये भर्ती नहीं हो सकते, तो यानी इनके पास 3 साल का विंडो है, और पहले हमने देखा कि 4 साल 3 साल तो वैकेंसीज ही नहीं आई, तो फिर ये ओवर एज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का इन यंगस्टर्स के लिए, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो इस बार वोट करने जा रहे हैं या गए हैं, क्योंकि इंडिया में पोलिंग शुरू हो गई है, पहले फेज का इलेक्शन हो गया है।